हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सहज पोर्टल रिचार्ज कैसे करते हैं। कई बार जनसेवा केंद्र संचालक को सहज पोर्टल रिचार्ज करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे ही जनसेवा केंद्र से जुड़ी समस्या का समाधान जानने के लिए जनसेवा हेल्प यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सहज पोर्टल का जो लिंक है उसको हम टाइप कर देते हैं, retail.sahaj.co.in ये, और उसके बाद लॉगिन पैनल में जाते हैं, अपनी लॉगिन आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने पर हम सहज पोर्टल में एंटर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब हमें रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बाईं ओर देखते हैं, यहाँ लिखा है माइक वर्क स्पेस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है एस कैश रिचार्ज। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, माई वर्क स्पेस पर क्लिक करना है और उसके बाद में एस कैश रिचार्ज पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी। ये देख सकते हैं लिखा है रिचार्ज टाइप, वॉलेट टाइप। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन है, एक लिखा है नॉन गवर्नमेंट एस कैश और दूसरा लिखा है एस गवर्नमेंट एस कैश। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए पैसे लोड करना चाहते हैं अपने वॉलेट में, तब आप यहां पर गवर्नमेंट एस कैश करेंगे। मैं आपको कुछ लिस्ट बता देता हूं, कुछ चीज़ें बता देता हूं जिसमें गवर्नमेंट का एस कैश काम में आता है। जैसे कि अगर आप आय, जात, निवास, जन्म, मृत, जितने भी इस तरह के फॉर्म आप भरते हैं या लाउड स्पीकर का फॉर्म भरते हैं उसमें गवर्नमेंट रिचार्ज काम में आता है, तो गवर्नमेंट एस कैश चुनना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इस तरह से प्राइवेट सर्विसेज, जैसे बहुत सारी सर्विसेज से रिचार्ज करना, मोटर इंश्योरेंस करते हैं थर्ड पार्टी, तो आप यहां से नॉन गवर्नमेंट एस कैश को ले सकते हैं। तो कई बार जनसेवा केंद्र संचालक यहीं पर गलती कर देता है और वो किसी मोटर का इंश्योरेंस नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सारा का सारा अपना जो पैसा है वो नॉन गवर्नमेंट एस कैश में डाल देता है और फिर बाद में वो पैसा उसका फंस जाता है और उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा। तो मेनली जो काम होता है गवर्नमेंट सर्विस में उसमें गवर्नमेंट एस कैश काम में आता है, तो हम यहाँ से गवर्नमेंट एस कैश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट एस कैश रिचार्ज, दूसरा लिखा हुआ है इंस्टेंट एस कैश रिचार्ज तुरंत, तो हम ये तुरंत वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नहीं करेंगे वरना समस्या आ सकती है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बैलेंस को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है एंटर अमाउंट टू बी एडेड, यहाँ पर कितना पैसा आप अगर लोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे हमें 100 रुपये ऐड करने हैं तो हम यहाँ पर 100 टाइप करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट टू बी रिचार्ज कैंट बी लेस देन 251 एंड मोर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 251 रुपये से कम आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अमाउंट आपको बढ़ा के करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ 500 रुपये रिचार्ज कर देता हूँ। यहाँ पर कई सारे मोड हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो उसके बिल की डिटेल है वो सारी दिखाई देगी, जैसे बिल रिचार्ज कितना, बैंक का चार्ज कितना है, SGST कितना है, CGST कितना है, ये पूरा टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका जो रिचार्ज करने का है वो यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद में आप नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करें। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद में अपना बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ 7 रुपये 50 पैसे टोटल हमको एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे जो सर्विस चार्ज के नाम पर हमसे लिए जाते हैं। तो आप यहां पर 500 एंटर करेंगे, 507 रुपये 50 पैसे आपके बैंक से कटेगा। नेट बैंकिंग बहुत ही बेस्ट होता है, कभी रिचार्ज ड्रॉप नहीं होता इससे। तो हम यहां नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट का एक पेज आएगा, पेज लोड हो रहा है प्रोसेसिंग, और आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन SBI.com खुल गया है। अब यहां पर हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहां से अपना आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। मेरे यहां पर 2 अकाउंट हैं इसलिए हम अपने जिस भी अकाउंट से करना चाह रहे हैं उस एक अकाउंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहां पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर एक बार समरी दिखाता है ये, यहां पर देख लेंगे कि 507 रुपये 50 पैसे ही हमारे
अकाउंट से डेबिट होंगे। उसके बाद फिर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दिखाया गया है जो कि हमारे मोबाइल पर आएगा, और मोबाइल पर पासवर्ड आ चुका है। अब हम मोबाइल से पासवर्ड को इसमें एंटर करेंगे। तो हम यहां पर पासवर्ड लिख देते हैं और फिर कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ी देर डिस्टर्ब नहीं करेंगे पेज को, ना पेज रीलोड करेंगे, ना रिफ्रेश करेंगे, ना बैक करेंगे। आप देख सकते हैं रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं आप लिख कह रहा है रिचार्ज सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन आईडी दी हुई है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ में आप अपने सहज पोर्टल को रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों जनसेवा केंद्र से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। हम उनसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस पर धीरे धीरे वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि आपके मन में कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।